हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी सनाया की रसोई में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आज यहां पर आप देखने जा रहे हैं, हम बासी रोटी और सब्जी से कुछ नया डिश बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो यहां पर सबसे पहले हमने दो बासी रोटी ले लिया है, जिसको अच्छी तरह से टुकड़ों में आपको तोड़े लेना है और फिर से इस मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। तो चलिए इसको पीस कर दिखाते हैं कि ये कैसा करना है इसको पूरा। तो ऐसा कर लेना है आपको। और फिर यहाँ पर हमने आटा लिया है, आटे में गेहूं का आटा है और ये हमने रिफाइन ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा, जिससे इससे मॉइस्चराइजिंग उसमें पैदा हो तो वो नरम एकदम बने, खुश्क नरम होता है। तो ये यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है और नमक के बाद थोड़ी सी हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी अजवाइन की। और ये हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा इसमें डालना है आपको स्वाद के लिए। और फिर जो इसको आप मिक्स कर लीजिए दोनों हाथ से, यहाँ पर अच्छे से इसको मैश कर लीजिए। ऐसा कीजिए कि मुट्ठी ऐसे बांधेंगे तो मुट्ठी बनाने लगे। तो यहाँ पर हमने अजवाइन का इस्तेमाल किया है, इससे फ्लेवर अच्छा रहेगा और बढ़ जाता है फ्लेवर अजवाइन डालने से। तो अजवाइन पेट के लिए भी लाभदायक है। यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी मार लेंगे जिससे कि वो पीला दिखे। और ये जो रोटी हमने पीसा है, ये रोटी डाल देंगे, ये रात की बची हुई रोटी है। और फिर इसके बाद ये पालक की सब्जी है, ये भी रात की बची हुई है, इसमें हम मिक्स करेंगे। इसमें और चीज़ें भी हमें मिक्स करना है जिससे इसका स्वाद और अच्छा बन जाए। तो यहाँ पर ये पत्ता गोभी है जो इसे मैंने पहले से चॉप करके रखा है, उसे डाल दिया। यहाँ पर ये अनियन प्याज है तो इसे भी डाल देना है। और इस तरह से आप टमाटर और मिर्चा दोनों हमने चॉप कर लिया है, इसे भी डाल देंगे, क्योंकि मिर्चा हरा हमने इसमें चार इस्तेमाल किया है तो इसीलिए वो लाल मिर्च हमने कम डाला था। तो यहाँ पर इस तरह से आप पूरा सामग्री को डाल दीजिए, जितना है इंग्रेडिएंट्स पूरा इसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा हमें यहाँ पर दही की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर दो चम्मच दही डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से गूँथ लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से अच्छी तरह से आप इसका डो बना लीजिए गूँथ कर। तो ये काफ़ी अच्छा डो बन जाएगा, थोड़ा गीला रहेगा तो आप थोड़ा सा और आटा इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम डो बना रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा डो बनाने में क्योंकि आटा गूँथने में टाइम लगता ही है। तो इस तरह से देखिए आप, हम पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं, काटे नहीं हैं, देखिए बीच में स्किप थोड़ा सा किया है। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया हमारा डो बन के। अब इसको हम ऐसे चकवा बनाएंगे, जिसे आप लोग चकवा कहते हैं। तो ये चकवा को बना के इस तरह से बेल लेंगे और इसको एक कटोरी लेकर जो बड़े साइज में है उसको हम काट लेंगे, एकदम गोल दिखेगा काटने पर। यहाँ पर तवा हमने देखो पहले से ही रख दिया था तो गर्म हो गया है तवा, और आप रोटी का आकार देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने गोल गोल रोटियाँ बना लिया है। ये रोटी में हम तेल लगाएंगे, इससे रोटी क्या आप पराठा भी बोल सकते हैं, गोल वाला पराठा। आप एक बार बना के ज़रूर खाइएगा, बहुत अच्छा बना था उस टाइम में। तो यहाँ पर देखिए, जो जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे अच्छा बना भी नहीं होगा, तो इसलिए कि आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, तो अच्छा बना है यहाँ पर। तो इस तरह से हम सारी रोटियाँ सेक लेंगे, रोटी पूड़ी जो भी है। यहाँ पर देखिए एकदम खुश्क बनी है, तो इसलिए खुश्क बनी है क्योंकि इसमें हमने रिफाइन का तेल इस्तेमाल किया था, या आप चाहें देसी घी डालडा घी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया फटाफट बन के और अभी बन रहा है। तो इसमें हम ये है सुबह का नाश्ता, तो आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, चटनी के साथ भी। तो यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, इसे आप खाइए, एंजॉय कीजिए, मज़े से रहिए।